पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी ने महिलाओं को सशक्त किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए साक्षरता जरूरी है और ये वक्त की मांग भी है। जोधपुर ग्राम पंचायत गुंडा की सरपंच का चुनाव लड़ रही सुमित्रा बिश्नोई इसका सटीक उदाहरण है। सुमित्रा के परिवार का राजनीतिक इतिहास है। पिता निर्विरोध सरपंच रहे, ससुर 10 साल तक सरपंच रहे, लेकिन अब 50 साल की उम्र में सुमित्रा ने घर के पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है और खुद सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं। उनका सिर्फ एक ही नारा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जरूरी है। लड़कियों को शिक्षित करना ही उनकी प्राथमिकता है। पढ़े के लिए पढ़ानी बहुत जरूरी है लड़कियों। आजकल टाइम है पढ़ेगी, मैं ही पढ़ी लिखी हूँ तो लड़कियों का अब तो टाइम ही दूजा है। पढ़ानी बहुत जरूरी है, लड़कियों ने पढ़ानी चाहिए। गांव के पुरुषों का मानना है कि शिक्षा की अनिवार्यता ने लोगों में साक्षर महिलाओं के महत्व को बढ़ाया है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की ज्यादा भागीदारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को और गति देगा। और मैं इसको मानता हूँ कि ये महिला को सशक्तिकरण में, महिला को मजबूती देने में और इससे एक जागृति की भावना पैदा होगी और एक पढ़ी लिखी नारी जब आगे आएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि इस गांव का ही विकास नहीं होगा बल्कि राजस्थान का विकास होगा। सारे काम पढ़े लिखे शिक्षित युवा और बालिकाएं ये काम पंचायत में बैठकर करवा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को मौका मिलना चाहिए और लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा की अनिवार्यता ने भले ही कुछ महिलाओं को इस बार चुनावी मैदान से बाहर रखा हो, मगर उनका मानना है कि शिक्षित महिला पंचायतों में अपने अधिकारों की लड़ाई और मजबूती से लड़ सकेंगी। हाँ लड़कियां मैं लारू तो सब पड़ी पर वे लाली पड़ी है छोटी उम्र में तो वे तो गंवर में घूंघट काट उब जाए तो वे घूंघट काट उबे पूरा जवाब नहीं दे मीटिंग में तो बोल नहीं पावे जनता हुन नहीं पावे तो कौम का वह को निकालेगा। सुमित्रा का निर्विरोध प्रत्याशी होना इस बात का सबूत है कि सुमित्रा और इन जैसी महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की कुंजी शिक्षित होना है। ऋतु वर्मा, DD News, जोधपुर, राजस्थान।